स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में और मैं आपका दोस्त राज हाजिर हूँ कोविड-19 के कुछ जानकारी लेकर। और इस जानकारी को सुनते ही आप चैन की सांस लेने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अद्भुत जानकारी पाने के लिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोरोना से बचने के लिए जरूरी है तो किसी वैक्सीन या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं और इस मुश्किल में अगर कोई देश कोरोना वैक्सीन बनाता है तो वह इस पृथ्वी का हीरो बन जाएगा। और यह बात जानकर आप दंग रह जाएंगे कि हीरो बनने के लिए हमारा देश भारत एक कदम आगे बढ़ चुका है। सही सुना आपने, हैदराबाद में स्थित भारत बायोटेक कंपनी कोरोना पीड़ित के लिए वैक्सीन तैयार कर रही है। इस वैक्सीन को नाक के जरिए लिया जा सकेगा। वैक्सीन तैयार हो जाने के बाद इसका टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले एक चूहा को कोरोना संक्रमित किया जाएगा, फिर इस वैक्सीन का इस चूहे पर टेस्ट किया जाएगा। अगर यह टेस्ट सफल रहा तो फिर यह टेस्ट एक खरगोश पर किया जाएगा, फिर एक बंदर पर किया जाएगा। अगर यह टेस्ट तीनों ही जानवरों पर सफल रहा तो फिर इसका टेस्ट इंसानों पर किया जाएगा। दुनिया भर की कंपनियां कोरोना वैक्सीन तैयार करने में लगा है। यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका में भी वैक्सीन अभी परीक्षण चरण में है, लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका चूहों पर अपना एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक कर लिया है। माना जा रहा है कि अभी कोरोना वैक्सीन आने में लंबा वक्त लग सकता है। यही कारण है कि WHO ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि हमारे देश भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की आंकड़ा 3000 के पार कर चुका है, तो इसलिए आपसे विनती है कि आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अद्भुत जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।